उसमें से कुछ में काम हो रहा और कुछ और में हम काम करें। जो वेस्ट वाटर का उपयोग है इसके लिए हम लोगों ने नियम में डाल दिया है कि जहां कहीं भी वेस्ट वाटर उपलब्ध है म्युनिसिपैलिटी से उसके 50 किलोमीटर तक की परिधि में जो भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन हैं, वो कंपल्सरली उस वेस्ट वाटर का उपयोग करें और उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो पास थ्रू होगा। कोई भी अगर रेगुलेटरी कमीशन, हमारे यहाँ रेगुलेटरी कमीशन है हर स्टेट में है और सेंटर में भी है जो कि पावर का प्राइस तय करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो पास थ्रू होगा, ये नियम में है। कोई रेगुलेटरी कमीशन अगर इसको नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग ये फिर बात करेंगे उस रेगुलेटरी कमीशन से, ये करना है, ये कानून में है, वो ये नहीं कर सकते कि इतना ही देंगे हम, जो भी कॉस्ट होगा उसको पास थ्रू करना होगा। वेस्ट टू एनर्जी हमारे नियम में ऑलरेडी कंपल्सरली ये है, कंपल्सरली रन, यानी कि जो भी उसका प्राइस होगा उसको खरीदना होगा और उसको चलना होगा। हम लोग और उसको रिव्यू करेंगे कि किस तरह से इसको हम और इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आपको वेस्ट एनर्जी पावर जनरेट करने में 6 रुपये यूनिट आता है तब पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको खरीदना है और उसको रन करना है, आई इसको हम लोग और स्ट्रेंथन करें। बायोमास से एनर्जी बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक रेगुलेशन निकाल दिया है कि अप टू 10% वो रिचार्जिंग कर सकते हैं बाय बायोमास, ये पलाड़ी वगैरह, और उसके लिए भी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा वो भी पास थ्रू होगा। एनर्जी कॉस्ट हमारी यहाँ इंडस्ट्री के लिए ज्यादा है, ये हम लोग अपना वी आर अवेयर ऑफ दिस, और जो दुनिया में सिस्टम है उससे हमारा सिस्टम अलग है। दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में जो बल्क पावर कंजप्शन होता है वो बल्क पावर कंजप्शन में पावर कॉस्ट कम होता है और रिटेल पावर कंजप्शन में ज्यादा होता है। तो दुनिया भर में अगर जो इंडस्ट्री का पावर कॉस्ट है वो डोमेस्टिक पावर कॉस्ट से कम है, हमारे यहाँ ज्यादा, तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चला आ रहा है हम लोग के यहाँ। वो डोमेस्टिक सेक्टर हरदम सब्सिडाइज रही है और वो भी जो ये जो पुअर कंज्यूमर है वो सब्सिडाइज रही है, इसमें कहीं कोई हर्ज नहीं। सरकार को लगता है कि नहीं साहब, तो गरीब लोगों को कम दर पर पावर मिलना चाहिए, तो सब्सिडाइज होना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह आती है कि उस सब्सिडी का कॉस्ट अगर सरकार वहन नहीं कर कर करके दूसरे कंज्यूमर्स पर डालती है तो वो दिक्कत है, ये क्रॉस सब्सिडी, ये दिक्कत है। क्रॉस सब्सिडी हटाने के लिए 2003 के कानून में प्रावधान, 2003 में हमारा एलएसटी एक्ट, उस समय यह प्रावधान था कि क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा, रिड्यूस करते करते फेज आउट कर दिया जाएगा, वो हुआ नहीं। अब हम लोग जो करंट पॉलिसी लाइन्स है जो कैबिनेट में है उसमें हमने यह प्रावधान किया है कि अब हमने ट्रेजेक्ट्री बना दिया कि हर साल क्रॉस सब्सिडी 25% कम होगा, तो धीरे धीरे 4 वर्षों में वो पूरा फेज आउट तो नहीं हो जाएगा, हमने कहा है कि 20% तक ही क्रॉस सब्सिडी आप दे सकते हैं, बाकी जो आपको सब्सिडी देना है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हिसाब से दीजिए। हमारा मानना यह है कि अगर आप सब्सिडी, कोई सरकार सब्सिडी देना चाहती है किसी को, फ्री पावर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, फ्री बिजली आ रहा है तो हम जलाते रहेंगे, ऐसा लाइट ऑन रहेगा, पंप चलता रहेगा, ये गलत होना यह चाहिए कि अगर आपको सब्सिडी देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दीजिए, 1000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दीजिए, 1500 डाल दीजिए उसके अकाउंट में, अगर वो कम बिजली खपत करेगा तो ना पैसा उसको बच जाएगा, तब ये सेंसिबल यूज हो और ये सब्सिडी जहां जाना चाहिए वहां जाएगा, ये हम लोग इस नए टैरिफ पॉलिसी में ला रहे हैं। तो नए टैरिफ पॉलिसी में दोनों चीज कर रहे हैं, एक तो अब ये कह रहे हैं कि साहब आप क्रॉस सब्सिडी ये कर दीजिए, फेज आउट कर दीजिए, और जो सब्सिडी देना है आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दीजिए, और किसी को अधिकार नहीं है, ये हम इसको कहते हैं परमात्र फलाहार हिंदी में, किसी को अधिकार नहीं है कि हम अनाउंस करें कि इनको हम ये फ्री देंगे, आप उसका बर्डन किसी और पर डाल दिए, आपको किसी को कुछ फ्री देना है उसका बर्डन खुद संभालिए, सरकार खुद संभाले, तो इससे आपका जो पावर कॉस्ट ज्यादा है उसका मूल कारण यही क्रॉस उसको हम कम करें। एक चीज और हम कर रहे हैं वो है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मतलब कि अगर आपको कहीं बिजली मिल रहा है सपोज 8 रुपये पर यूनिट, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको बिजली देने के लिए तैयार है 4 रुपये पर यूनिट, तो आपको अधिकार है कि आप उससे लें। इसको कैसे रोका जाता है, इसको रोका जाता है
ओपन एक्सेस पर सरचार्ज वगैरह लगाकर। ओपन एक्सेस भी कानून में है लेकिन उसको लोग अवॉइड करते हैं सरचार्ज वगैरह लगा करके, ताकि आपको ओपन एक्सेस महंगा हो जाए। हम लोग कह रहे हैं कि वो सरचार्ज भी आप नहीं लगा सकते, जो सरचार्ज है उसको भी आपको फेज आउट करना होगा, और आपको अधिकार होगा कि आप जिससे बिजली लेना चाहें उसे आप बिजली, जो सस्ता दे रहा है उसे आप बिजली। तो नतीजा यह होगा कि लोग जनरेट करके सीधे आपको बिजली देंगे, तो जहां सबसे सस्ता है वहां से आप क्लियरली ओपन एक्सेस से ले सकते हैं, सिर्फ आपको सिर्फ व्हीलिंग चार्जेस दे रहे हो, यानी कि जो प्राइस है ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो व्हीलिंग चार्जेस कहते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, वो देना होगा। तो ये रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, ये सारे हमारे नए टैरिफ पॉलिसी में है, वो नया टैरिफ पॉलिसी कैबिनेट के पास है, जैसे ही पास हो जाएगा तो ये रिफॉर्म्स आएंगे और आपको जो पावर कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा।